डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर आपका डीजल पावर प्लांट जो आपका यूनिट है उसके ऊपर है। तो मैंने जो अपने पहले लेक्चर में आप लोग को थोड़ा सा डीजल पावर प्लांट का एक रिव्यू दिया था, एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, और इसमें मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें मैंने बताया था कि आपका डीजल पावर प्लांट जो है वो कैसे काम करता है। आज का जो लेक्चर है वो उसी लेक्चर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम लोग इस लेक्चर में। तो जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में कि डीजल पावर प्लांट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस चीज़ पे वो काम करता है ना, बेसिकली दो दो नंबर के सवाल भी आ सकते हैं कि राइट डाउन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीजल पावर प्लांट, तो उसको हम कैसे लिखेंगे और क्या क्या उसका होता है, वो चीज़ से स्टार्ट करता हूँ मैं आज अपना लेक्चर। देखिए, सबसे पहली बात दिमाग में ध्यान रखिए कि डीजल पावर प्लांट में जो है वो तीन स्टेज में काम होता है। पहला होता है डीजल हम लेते हैं, दूसरा होता है डीजल इंजन में हम उसको डालते हैं जलने के लिए, और तीसरा ये होता है जलने से जो आपका अंदर में टेम्परेचर और प्रेशर उत्पन्न होता है, पैदा होता है, उससे हम आपका पिस्टन को मूव कराते हैं, और पिस्टन जो है आपका वो जनरेटर के प्राइम मूवर को मूव करता है, उससे जनरेशन बाहर निकलता है। तो तीन स्टेज हो जाता है आपका। डीजल फ्यूल है ना, उसमें कुछ इंटरनल एनर्जी हम प्रोवाइड उसके प्रोवाइड करते हैं, फिर जो डीजल इंजन से में वो जलता है जा करके, उससे जो मैकेनिकल एनर्जी जो आप निकलता है उससे आप जनरेटर को मूव कराते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी और डीजल इस का जो डीजल है वो आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ये आपका बेसिक फ्लो डायग्राम है, दिस इज योर बेसिक फ्लो डायग्राम ऑफ योर डीजल पावर प्लांट। ठीक है, इसको अब शब्दों में कैसे लिखोगे आप? ठीक है, जब एग्जाम में आएगा तो आप ये भी ये बना दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा, और ये चीज़ जो है इसी चीज़ को डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है कि जब आप डीजल को बर्न करते हो इंजन के अंदर, है ना, व्हेन द डीजल फ्यूल बर्निंग इनसाइड द इंजन, इट्स स्टार्ट टू प्रोड्यूस मैकेनिकल पावर। ये मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करना शुरू करता है। कैसे करता है? द कम्बशन ऑफ डीजल फ्यूल प्रोड्यूसेस इंक्रीज टेम्परेचर, जो आपका कम्बशन होता है उससे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो क्या हुआ, इंक्रीज टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है आपका इंजन के अंदर। अब क्या होता है कि जब, जैसा कि आपने अगर पहला लेक्चर देखा होगा उसमें था कि जब आपका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपका पिस्टन जो मूव करने लगता है, इसी चीज़ को है। ड्यू टू दिस प्रेशर अब जो गैस बना है वो गैस जो है वो आपका जो पिस्टन और डीजल इंजन का पिस्टन है उसको धक्का देता है, और वही इसी को धक्का देने के समय क्या होता है कि वो मैकेनिकल पावर एक तरीके से प्रोड्यूस होता है, और इस मैकेनिकल पावर जो है आपका शाफ्ट है डीजल इंजन का वो रोटेट करने लगता है, और फिर आगे हम उसको जनरेटर में हम कपल करके हम उससे बिजली ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। जैसे जैसे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे डीजल पावर प्लांट और क्लियर होता चला जाएगा आपको। तो अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग में चल रहा होगा तो अभी और क्लियर होगा भी आपको, धीमे धीमे देखिएगा। देखिए, सबसे जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हमारा जो मेन उद्देश्य होता है बिजली बनाना। अब वो बिजली बनाने के लिए हमें ज़रूरत है प्राइम मूवर को घुमाना। अब या तो आप प्राइम मूवर को पानी से घुमाइए, या फिर आप अपना किसी फ्यूल के जलाने से बनाइए या स्टीम से जलाइए, वो आपके ऊपर है। तो इसमें हम लोग डीजल को जला करके टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और उसके बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि आपका पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन मूव करेगा तो वो रोटेट कर, वो जो शाफ्ट है उसका उसका उसको घुमाएगा वो, अब उसके घूमने की वजह से आपका जनरेटर जो है वो बिजली पैदा करेगा। देखिए, ये बेसिक लेआउट ऑफ डीजल पावर प्लांट है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, इसमें कुछ भी नहीं है। एयर फिल्टर है, साइलेंसर है, जनरेटर है, फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल फिल्टर है ना, ये आपका लुब्रिकेशन ऑयल टैंक है, ऑयल कूलर है, एयर फॉर स्टार्टिंग है, और इनपुट डीजल फ्यूल है। अब मैं पहले इस लेआउट के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा आगे। देखिए, सबसे पहली बात एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का काम है टू फिल्टर द एयर, टू फिल्टर द इनपुट एयर। एयर की ज़रूरत पड़ेगी ना हमें कंबशन के लिए,
तो उस चीज़ को फिल्टर आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। साइलेंसर यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय द एग्जॉस्ट ऑफ जनरेटर। जो आपका सॉरी एग्जॉस्ट ऑफ इंजन है ना, उस चीज़ को कम करने के लिए होता है। फ्यूल फिल्टर का क्या काम हो जाता है, देखिए वर्ड से ही क्लियर है, टू फिल्टर द फ्यूल। अब क्या फिल्टर करते हैं, इसमें फिल्टर हम करते हैं जो आपका सॉलिड पार्टिकल्स रहता है ना, जो आपका सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो जो आपका प्रेजेंट रहता है फ्यूल में एज एन इम्प्योरिटी है ना, सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ फ्यूल प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी, प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी है ना, इसको हम फिल्टर आउट करते हैं फ्यूल फिल्टर से। और फिर ये फ्यूल इंजेक्टर जो होता है ये क्या करता है, ये इट इंजेक्ट्स द फ्यूल एट हाई प्रेशर, बस ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसको डिस्क्राइब करके। देखिए लेआउट से ही बहुत कुछ क्लियर है। अब एयर फॉर स्टार्टिंग तो आपको ही पता है, ये जो एयर है आपका जो इनिशियल कंबशन के लिए चाहिए वो एयर यहाँ से मिलेगा। ऑयल कूलर जो है आपका ये कूलेंट का काम करता है ना, टू कूल द इंजन सिस्टम, ये आपका कूलेंट का काम करता है। और इसमें आपका लुब्रिकेशन ऑयल टैंक है, तो आपका जो भी लुब्रिकेशन जो पिस्टन के लिए चाहिए होता है तो ये सब हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेशन ऑयल टैंक के थ्रू, ठीक है। तो ये बेसिक ओवरऑल था, ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है, इसको आप बना सकते हैं। और ये इससे सिंपल डायग्राम आपको मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, तो ये बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। वेरियस सब सिस्टम क्या है, देखिए ये जो है आपका बेटा ये पूरा आपका लेआउट है। अब इस लेआउट में, इस पूरे लेआउट को हमने छोटे छोटे सब सिस्टम में बांट दिया है, ठीक है। ये आपका जो है लेआउट था, पूरे लेआउट को हम एक एक सब सिस्टम में बांट करके पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके पास पूरा बाइक है तो बाइक के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ोगे, ऐसा तो है नहीं कि आगे वाले पहिए के बारे में पढ़ोगे पीछे वाले पहिए के बारे में पढ़ोगे, आप पढ़ोगे व्हील्स है ना, उसके बाद ब्रेक गियर ऐसे करके, तो एक सब सिस्टम हो गया ना आपका, तो उस तरीके से। तो उसी तरीके से आपका जो पूरा डीजल पावर प्लांट का लेआउट है उसमें एक होता है प्राइम मूवर, तो प्राइम मूवर आपका टू स्ट्रोक हो सकता है या फोर स्ट्रोक मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन हो सकता है। मल्टी सिलेंडर मतलब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अगर आपका नंबर ऑफ इंजन्स बढ़ता है, अगर आपका नंबर ऑफ सिलेंडर्स बढ़ता है, एक सिलेंडर में आपका जो है एक ही पिस्टन होगा, ठीक है, एक सिलेंडर में आपका एक ही पिस्टन होगा। अगर इस तरीके से अगर आपके पास पांच है तो ये क्या कितना हो जाएगा, फाइव सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सिलेंडर हम इंक्रीज करते हैं ताकि हमारा जो पावर ऑफ डीजल पावर प्लांट है वो बढ़ जाए और कैपेसिटी बढ़ जाए। कैपेसिटी इन दिस व्हाट सेंस, पावर जनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। तो ये आपका टू स्ट्रोक भी हो सकता है, फोर स्ट्रोक भी हो सकता है, या हम देखेंगे आगे टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक क्या होता है। स्टार्टिंग सिस्टम होता है इनिशियल रोटेशन, जो भी इनिशियल रोटेशन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो इसमें जैसे बेसिकली क्या होता है कि जो घरों में छोटा छोटा जो होता है उसको तो आप हैंडल से स्टार्ट करते हो, इसको हम एयर प्रेशर से शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है लुब्रिकेशन सिस्टम, जैसा मैंने बताया इसमें एक ल्यूब ऑयल टैंक होता है ना, और एक ऑयल कूलर होता है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो आपका हम ऑयल टैंक से लेते हैं और पंप के थ्रू खींचते हैं, उसके बाद उसको हम फिल्टर से पास करते हैं और जैसे आपका इम्प्योरिटी जो फिल्टर आउट हो जाता है। तो ऑयल कूलर इज यूज टू कीप ऑयल टेम्परेचर एज कूल एज पॉसिबल, हम जो है ये चाहते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो ठंडा रहे, क्यों, क्योंकि उसको चैम्बर में जा करके, अभी आप देखेंगे क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि वो उसका जो कम्बशन चैम्बर है उसमें जा करके ही उसको बर्न करना है। अगर उसके पहले ही वो गर्म रहेगा तो आपका जो कम्बशन चैम्बर है उसमें जो कम्बशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है एग्जॉस्ट सिस्टम, जैसे वर्ड से ही क्लियर है, एग्जॉस्ट सिस्टम मतलब क्या हुआ, आपका जो
जो भी धुआं बना वो गाड़ी से बाहर निकलने एक एग्जॉस्ट सिस्टम होता है आपका, ठीक है। तो वही सर इंजन में भी क्या होता है, जब आपका कंबशन चैम्बर में यहाँ पे जब आपका जलेगा तो यहाँ पे धुआं बनेगा, इस धुआं को हम बाहर निकालते हैं, तो ये होता है आपका एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो है आपका एयर इनटेक सिस्टम। तो जाए एयर इनटेक सिस्टम में एक फिल्टर होता है, फिल्टर में जो है आपका एयर से एयर में जो डस्ट पार्टिकल है उसको वो रिमूव करके फिर वो इंजन की तरफ भेजता है, ठीक है। और एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से हम लेते हैं, और फिर उसको हमको क्या क्यों चाहिए होता है, ये हमको चाहिए होता है फ्यूल कम्बशन के लिए। उसके बाद फ्यूल सिस्टम है, फ्यूल सिस्टम में आपका एक स्टोरेज टैंक होता है, और स्टोरेज टैंक से ही आपका अगर आपको अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर पे जंप कर रहे हैं तो मैं ये सजेशन करूँगा, सजेस्ट दूंगा आपको कि आप पहले पहला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि तो मैंने जो शुरू किया है वो पहले लेक्चर से ही शुरू किया है, और पहले लेक्चर में जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था वर्किंग ऑफ डीजल पावर प्लांट का, उसी का सारा को डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं अभी। तो इसमें एक स्टोरेज टैंक होता है, स्टोरेज टैंक से आपका जो ऑयल है उसको हम डे टैंक बोलते हैं, वो पंप के थ्रू आता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम फिर जो भी ऑयल में आपका स्ट्रेन मतलब जो इम्प्योरिटीज़ है सॉलिड पार्टिकल्स है उसको हम रिमूव करते हैं। उसके बाद है आपका फ्यूल इंजेक्शन पंप, इट इज़ यूज टू इंजेक्ट अ फ्यूल फ्रॉम द डे टैंक। अब देखिए आपका जो फ्यूल है वो आपका ऑयल टैंक से आपका डे टैंक में आ गया, अब डे टैंक से हमको कहाँ भेजना है, इंजन के अंदर, तो वो होता है आपका फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है वो फ्यूल को पंप करता है, प्रेशर हाई होता है 100 bar के आसपास। और कूलिंग सिस्टम क्या होगा, इट यूजेस लिक्विड कूलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे एक कूलेंट होता है आपका, कूलेंट जो है आपका इंजन के ऊपर और चारों भाग में घूमता रहता है, तो वो क्या करता है इंजन को ठंडा रखता है, और फिर जो ये कूलेंट जो गर्म हुआ है वो फिर क्या होता है कि आपका हम एयर कूल रेडिएटर होता है उसके थ्रू हम इसको पास कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा जो सिस्टम है वो काम करता है, और इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है कन्वेक्शन और कंडक्शन से होता है। कन्वेक्शन और कंडक्शन का फ़र्क मैं बताता हूँ, जब आप कोई गर्म जब कोई आप दो अलग अलग टेम्परेचर बॉडी को दूर रखते हो है ना, उसके बाद जो उसमें हीट ट्रांसफ़र होता है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन, और जब आप उसको छूते हो, छू के हीट ट्रांसफ़र होता है तो कंडक्शन। एग्जाम्पल एक और देता हूँ, अभी ठंडी का टाइम है, आप सूरज की रोशनी में बैठे हुए हो और सूरज से आपको गर्मी मिल रही है, वो कन्वेक्शन का पार्ट है, आपने सूरज को टच नहीं किया है ना। लेकिन अगर आप गर्म तवे को टच करोगे और उससे जो हीट ट्रांसफर होगा आपके हाथ में वो कंडक्शन का पार्ट होगा, ठीक है। तो दो तरीके से आपके बॉडी में हीट ट्रांसफर हो सकता है। देखिए ये है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपका इंजन है, जैसा कि हमने बताया इसमें आपका आता है पहला 4-स्ट्रोक इंजन आता है आपका, ठीक है। तो इसका हम कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने अक्सर सुना होगा स्पार्क प्लग के बारे में है ना। एक्चुअली स्पार्क प्लग जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं पेट्रोल वाले 4-स्ट्रोक इंजन में, या फिर पेट्रोल वाले 2-स्ट्रोक इंजन में। हमारा जो डीजल है और हमें डीजल के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे ये फ्यूल इंजेक्टर होता है, ठीक है। ये थोड़ा ये फ़र्क है डीजल और पेट्रोल के इंजन में। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बेटा ये बताओ कि डीजल स्ट्रोक इंजन में और पेट्रोल स्ट्रोक इंजन में क्या फ़र्क है, तो आप उनको बोलिए सर पहला फ़र्क यही है कि हमारे पास डीजल स्ट्रोक इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, उसमें फ्यूल इंजेक्टर होता है, और पेट्रोल का जो स्ट्रोक इंजन है उसमें स्पार्क प्लग होता है। तो स्पार्क प्लग का पहला डिफरेंस है आपका, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसमें है आपका इनलेट मैनिफोल्ड है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, इनलेट वॉल्व है, एग्जॉस्ट वॉल्व है, TDC है ना, और ये आपका BDC है ना। तो इसका मैं फुल फॉर्म बताऊंगा क्या है TDC और BDC क्या है। उसके बाद आपका है सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट और क्रैंककेस, ठीक है। ये देखिए अगर एग्जाम में आएगा 4-स्ट्रोक का डायग्राम बनाने के लिए तो आप ये बना सकते हैं, बहुत ही आसान डायग्राम है। अब मैं इसके बारे में जो है आपको धीरे धीरे जो है मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। सबसे पहली बात इनलेट मैनिफोल्ड, ठीक है। इनलेट मैनिफोल्ड कहाँ था हमारे डायग्राम में, ये है आपका इनलेट मैनिफोल्ड, ठीक है।
ये आपका इनलेट मैनिफोल्ड है। तो ये है कि एक्चुअली में एक पैसेज है, एक पाथ है, देख रहे हैं, ये क्या एक रास्ता है। तो इसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं, इनलेट मैनिफोल्ड। तो ऐसा रास्ता जिससे हमारा इनपुट आए, जिससे हमारा इनपुट आए, उसको हम इनलेट इनलेट बोलेंगे, ठीक है। वही चीज लिखा है, इट इज़ ए पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ फ्यूल, यहाँ से आपका जो फ्यूल है वो अंदर आता है, ठीक है। तो वर्ड पे ध्यान दीजिए, इट इज़ ए पैसेज फ्यूल, ठीक है, इनसाइड द सिलेंडर, ये वर्ड याद रहेगा तो आपको इनलेट मैनिफोल्ड का जो है डेफिनेशन याद रहेगा। अब उसी तरीके से इनलेट का पता है तो एग्जॉस्ट का बताइए, एग्जॉस्ट का क्या है, पैसेज फॉर द एस्केप ऑफ बर्न गैसेस। तो जो रास्ता, जिस रास्ते से होकर के आपका एग्जॉस्ट गैस निकल जाए वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हो गया, जिस रास्ते से होकर के आपका फ्यूल अंदर आ जाए वो इनलेट हो गया। इनटेक वाल्व, जैसे आपका इनलेट मैनिफोल्ड है वैसे ही इनटेक वाल्व है। तो इट इज़ कैम ऑपरेटेड वाल्व थ्रू विच द फ्यूल और एयर एंटर्स विद इन द सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ अगर आप चाहो तो इस सेंटेंस में, ठीक है, इस चीज़ को आप स्केप कर सकते हो। अगर आपको ये कैम ऑपरेटेड अगर नहीं लग रहा है सही, तो आप सीधा इसको ये सेंटेंस लिखिए कि इट इज़ अ वाल्व, ठीक है, थ्रू विच द फ्यूल और एयर एंटर्स विद इन द सिलेंडर, ठीक है। फिर है आपका एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व है कहाँ, जहाँ से आप, जिस वाल्व से आपका जो गैस है वो बाहर निकलेगा। देखिए होता क्या है कि जब एग्जॉस्ट बल्ब की हम बात करते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व की और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, तो पहले क्या होगा आपका बता सकते हैं, पहले आपका एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, उसके बाद आपका एग्जॉस्ट जो आपका मैनिफोल्ड है ना, इसके थ्रू आपका गैस जो है विल एग्जॉस्ट, ठीक है। उसी तरीके से मतलब पहले वाल्व खुलेगा फिर ये होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका इनटेक वाल्व है, वाल्व खुलेगा तब आपका हवा अंदर आएगा। स्पार्क प्लग, यहाँ ये मैंने ब्लू में इसलिए करके रखा हुआ है क्योंकि ये इसलिए आपको बताने की कोशिश मैं कर रहा था कि इट इज़ यूज्ड फॉर द पेट्रोल टाइप, है ना, पेट्रोल इंजन के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि देखिए अब जब हम 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो डीजल का भी हो सकता है, पेट्रोल का भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग किया है। अगर आपसे एग्ज़ाम में, अगर वैसे आपके सिलेबस में डीजल पावर प्लांट ही है, तो अगर डीजल इंजन के बारे में पूछता है 4 स्ट्रोक, तो आप इस पॉइंट को हटा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ओवरऑल पढ़ना था इसलिए मैंने इसको लिखा और अलग से हाईलाइट कर दिया है, तो आप इसको स्केप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने जो आपको बताया था कि डिफरेंस बिटवीन डीजल और पेट्रोल में क्या होता है, तो एक पॉइंट आपके पास नॉलेज में रहे, ठीक है, यू कैन स्केप दिस पॉइंट। सिलेंडर है, इट इज अ पार्ट ऑफ द इंजन वेयर पिस्टन डज रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ये टेक्निकल वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है अप एंड डाउन मोशन, ठीक है, अप एंड डाउन मोशन। तो आप चाहो तो इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को अप एंड डाउन मोशन से आप जो है उसको रिप्लेस कर सकते हो। मेरा मेन मोटिव ये था ये वर्ड यूज़ करने का, ताकि आपको पता रहे कि टेक्निकल वर्ड क्या यूज़ करते हैं इसके जगह पे, क्योंकि अप एंड डाउन तो बहुत कॉमन सा वर्ड है ना, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो होता है वो एक टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं टेक्निकली, ठीक है। तो ये वर्ड भी आपको नॉलेज में होना चाहिए, अगर नहीं याद हो पाता है तो इसको अप एंड डाउन मोशन आपसे रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है पिस्टन, तो पिस्टन इट इज अ पार्ट ऑफ द इंजन विच डज रेसिप्रोकेशन मोशन, यहाँ भी वही है, तो इसको आप अप एंड जो आपका डाउन मोशन है उस वर्ड से इसको आप कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पिस्टन क्या है, जाहिर सी बात है वो अप एंड डाउन मोशन करता है आपका सिलेंडर के अंदर, और इट परफॉर्म सक्शन कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट प्रोसेस। सक्शन मतलब होता है हवा को खींचना, कंप्रेशन मतलब हवा को कंप्रेस करना, और जब आपका कंबशन हो जाता है तो पिस्टन के मूवमेंट की वजह से ही आपका जो एग्जॉस्ट गैस है वो बाहर निकलता है। फिर कनेक्टिंग रॉड है, जाहिर सी बात जो क्रैंक शाफ्ट है पिस्टन है ना, उसको जोड़ने का काम करता है ये, है
एंड इट ट्रांसफर द पावर जनरेटेड बाय द इंजन फ्रॉम पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए डायग्राम में, अगर ये पढ़ रहे हैं तो एक बार डायग्राम जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये कनेक्टिंग रॉड है आपका, ये है आपका पिस्टन और ये आपका क्रैंकशाफ्ट, तो इसको जोड़ रहा है ये। तो जो भी पावर आपका जनरेट हो रहा है वो क्रैंकशाफ्ट में ट्रांसफर कौन कर रहा है? कनेक्टिंग रॉड ही तो कर रहा है आपका, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि इट ट्रांसफर द पावर जनरेटेड फ्रॉम बाय द इंजन फ्रॉम द पिस्टन, जो पिस्टन से पावर मिल रहा है उसको वो क्रैंकशाफ्ट में ट्रांसफर कर रहा है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू। ठीक है, एंड द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन चेंजेस टू द सर्कुलर मोशन। और उसी तरीके से जब आपका वो कनेक्टिंग रॉड मूव करता है तो जो अप एंड डाउन मोशन है वो आपका सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है आपका क्रैंक शाफ्ट है, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू सर्कुलर मोशन। तो इसको भी आप फिर से ये कर सकते हैं, अप एंड डाउन मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू सर्कुलर मोशन। फिर क्रैंक केस क्या है? इट होल्ड द क्रैंक शाफ्ट असेंबली इन इट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द डैमेज। तो ये था आपका बेसिक ऑफ योर जो आपका डीजल पावर प्लांट है, और उसमें जो आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन मैंने डिस्कस कर दिया, और मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 4 स्ट्रोक इंजन का बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है और उसका जो मेन मेन पार्ट्स क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 4 स्ट्रोक इंजन का थोड़ा सा आगे और बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।